वर्मा वर्ल्ड 26। अ बॉडी स्ट्रेचेस अ स्प्रिंग बाय पर्टिकुलर लेंथ एट अर्थ सरफेस एट इक्वेटर। एट व्हाट हाइट अबाउट द साउथ पोल विल इट स्ट्रेच द सेम स्प्रिंग बाय सेम लेंथ। अज्यूम द अर्थ टू बी स्फेरिकल। तो ये अर्थ इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ पे सपोज इक्वेटर पर, इक्वेटर के सरफेस पर अगर हम खड़े हैं और यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट पर अगर ये स्प्रिंग होगी और इस पर एक मास लटकाया हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये स्प्रिंग जो होगी वो इलोंगेट होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये स्प्रिंग इलोंगेट क्यों हो रही, स्ट्रेच क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये वेट लटकाया है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है। अब यही स्प्रिंग अगर हम साउथ पोल पर लाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगी या कम स्ट्रेच होगी, ये किस पर डिपेंड रहेगा। अब मास तो सेम ही है, इसका वेट, वेट पर डिपेंड रहेगा, जितना वेट ज्यादा उतनी ज्यादा स्ट्रेच होगी, लेकिन वेट किस पर डिपेंड रहेगा, ये mg पर। और m तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, m तो सेम ही रहने वाला है, वो तो डिपेंड रहेगा g पर, ये डिपेंड रहेगा g पर। तो सबसे कम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, या ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो होता है इक्वेटर पर, इक्वेटर पर सर पे कम होता है। अभी लास्ट न्यूमेरिकल जो देखे उसमें हमने वही पढ़ा कि अर्थ जो रोटेट हो रही है अबाउट इट्स एक्सिस, उसके कारण वो एंगुलर वेलोसिटी कारण यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके कारण उसका वेट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ कम हो जाता है। सबसे कम वेट बॉडी का इक्वेटर पे होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होता है, क्योंकि अर्थ कोई स्फेरिकल नहीं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि अर्थ स्फेरिकल है, क्योंकि वो होमोजेनियस, हमें उसका मास लेना है, उसकी डेंसिटी लेनी है। तो यहाँ पे साउथ के यहाँ पे इस डायरेक्शन में कौन सी जगह हो गया ऐसी कि वहां पे इक्वेटर पर जितना वेट आ रहा है, मतलब ये mg डैश इसका वेट होता है, तो वही वेट यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे तो फोर्स ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो gh मतलब ग्रेविटी ड्यू टू और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती चला जाएगी। तो कोई हाइट पर ए mgh ही होना चाहिए, तो ये ऐसा कौन सी हाइट होगी कि वहां पे उतना ही वेट आता है जितना कि वेट इक्वेटर पे आता है। तो इक्वेटर पे वेट, तो ये वेट मतलब ये सब खेल है जी का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो एट इक्वेटर जी कितना होता है, जी डैश, तो हमने देखा कि जो 9.8 होता है उसमें से माइनस करते हैं हम आर ओमेगा स्क्वायर। हालांकि डेरिवेशन हमें ये बताता है कितना कम करना है, कॉस स्क्वायर फाइव, लेकिन इक्वेटर पे फाइव यहाँ पे जीरो आता है, तो कॉस जीरो 90 बन जाते, वन बन जाता है, तो ये इतना आर ओमेगा स्क्वायर कम होता है। और एट हाइट यहाँ पे कितना होगा फोर्स, तो ये mgh, तो ये gh कितना होगा, तो ये होता है g1 माइनस 2h अपॉन r, ये हमने ग्रेविटी एट हाइट h देखा है। तो ये दोनों वेट इक्वल होने चाहिए, मतलब जी डैश और ये जी एच इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए आना चाहिए, जी और ये वन माइनस टू एच अपॉन आर। तो जी इसे और इसे दोनों को मल्टीप्लाई करेगी, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ए इधर जी आएगा और यहाँ पे भी जी मल्टीप्लाई होगा, तो ये जी और ये जी कैंसिल होगा, माइनस भी कैंसिल होगा, तो ये क्या आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2hg अपॉन r। तो कौन से हाइट पर, मतलब हमें h फाइंड करना है, h फाइंड करना है, तो ये चलो r इधर चला जाएगा, तो ये h कितना आ जाएगा, तो इसके लिए h इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, 2 डिवाइड होगा और g भी डिवाइड होगा और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये r इधर चला गया, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो है ही, और ये 2g नीचे डिवाइड होगा, इसमें वैल्यू पुट करते तो r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, मतलब 10^3, और इनटू अगेन इसका स्क्वायर होगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 2π/t, और t क्या है, 24 आवर, 60 मिनट, 60 सेकेंड, इतना ओमेगा आता है, उसका भी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 और ये जी मतलब 9.8। अब ये 64 का स्क्वायर, 64 × 64 करोगे आप, तो चलिए रब करके ऊपर लिखते फिर से, ये 64 × 64 करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 4096, और ये 10 रेस्ट
टू और ये थ्री, 5 10 रेज टू 5 और इसका स्क्वायर 10 रेज टू 10 इनटू, अभी लास्ट न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो आई थी 53.29 ऐसी कुछ तो, और इंटू 10 रेज टू माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 2g मतलब 29.8, तो इसका तो आएगा 19.6 और ये इसके साथ कट हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो किया था तो इसकी वैल्यू आती है 21.8275 ऐसा निकाला है ये कैलकुलेशन में और 75 डिवाइडेड बाय ये 19.6, तो इसे थोड़ा सा 20 लिया था तो 20 लेके किया था तो ये आ रहा है 1 लिया तो 20 लेने के बाद ये 0 और ये 2 1 2 0 फिर 2 9 18 2 1 2 3 6 1 5 2 7 तो और ये यहाँ पे तो इतना आ रहा है, इतना किलोमीटर h इतना मीटर, इसका किलोमीटर क्या था ये 10.9 किलोमीटर, तो बुक में 10 दिया हुआ है, ये अप्रोक्स 11 के आसपास आ रहा है।